द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या सऊदी और इजराइल के बीच तनाव पैदा होने वाला है? क्या सऊदी और इजराइल दोनों देश आमने सामने आने वाले हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सऊदी ने एक अहम फैसला लिया है। सऊदी फिलिस्तीन में 30 साल बाद अपना राजदूत भेज रहा है और जो राजदूत सऊदी भेज रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई हैं। तो अब इस खबर से ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सऊदी और इजराइल दोनों के बीच जो है वो जल्द ही युद्ध की शुरुआत हो सकती है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या विवाद है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। दोनों देशों के बीच बहुत पुराना जो है वो विवाद है और अक्सर दोनों देश विवाद को लेकर आमने सामने आते रहते हैं। ऐसे में इजराइल जो सऊदी से इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए है, इस वक्त सऊदी जिस तरह से फिलिस्तीन में अपने राजदूत को भेजने का फैसला ले रहा है उससे दोनों देश जो हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर टर्की उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब ने 30 साल बाद फिलिस्तीन में अपना राजदूत भेजा। नाइफ अल सुदैरी जो चेयरमैन मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई हैं, उन्होंने फिलिस्तीन में विदेशी मंत्री रियाद अल मलिकी अल सुदैरी को अपना राजनयिक परिचय प्रस्तुत किया। अनिवासी और अनिवासी राजदूत बने हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंशियल राजदूत वहां पर बनकर वो गए हैं। अब सऊदी के इस फैसले से इजराइल को कितना बड़ा झटका लगेगा या सऊदी के इस फैसले से दोनों देशों के बीच किस तरह के तनाव होंगे, इस बात का अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है। सऊदी अरब इजराइल से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठा है और इसी बीच सऊदी ने जो फैसला लिया है फिलिस्तीन में अपने राजदूत को भेजने का, ये कहीं ना कहीं इजराइल को परेशान कर सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में सऊदी अरब के इस फैसले को लेकर विस्तार से जानकारी दी है और साथ ही इसकी बारीकियों पर भी चर्चा की गई है, इसकी बारीकियों पर भी ध्यान दिया है। सऊदी और इजराइल के रिश्ते पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सऊदी ने ये फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कड़ियां हैं, आप इस आर्टिकल से समझेंगे। दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल आपके सामने जिसकी हेडलाइन में लिखा है सऊदी फिलिस्तीनी संबंध। आगे लिखा है फिलिस्तीन में सऊदी अरब के पहले राजदूत वेस्ट बैंक पहुंच चुके हैं। तो यहां पर सऊदी अरब ने अपना पहला राजदूत फिलिस्तीन भेज दिया है। आगे लिखा है फिलिस्तीन में पहले सऊदी राजदूत नाइफ बिन बंदर अल सुदैरी वेस्ट बैंक पहुंचे। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए फिलिस्तीन के अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंशियल राजदूत और यरूशलेम में अनिवासी महावाणिज्य दूत अल सुदैरी ने मंगलवार को रामलला में राष्ट्रपति मुख्यालय में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े सऊदी के इस बड़े कदम से इजराइल और सऊदी के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, दोनों देशों में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही है। आगे लिखा है समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अल सुदैरी का आगमन सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के इजराइल के प्रयासों के बीच हुआ है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इजराइल सऊदी अरब से यहाँ पर बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठा है। इजराइल सऊदी अरब से अपने रिश्ते सामान्य करने पर जो है वो जोर दे रहा है, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में अपना राजदूत भेज दिया जिससे इजराइल को यहाँ पर झटका लग सकता है। आगे लिखा है अपनी बैठक के दौरान अब्बास ने अल सुदैरी का स्वागत किया और कहा कि फिलिस्तीन की उनकी यात्रा और फिलिस्तीन राज्य में सऊदी राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति दोनों देशों और दो भाईचारे वाले लोगों को जोड़ने वाले मजबूत भाईचारे संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा। अब यहाँ पर सऊदी और फिलिस्तीन के रिश्ते अगर मजबूत होते हैं और जैसा कहा जा रहा है कि दोनों में भाईचारा बढ़ेगा तो इससे इजराइल को यहाँ पर कितना बड़ा झटका लगेगा और इजराइल का यहाँ पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को भी अच्छे से समझा जा सकता है। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन में ज्यादा नहीं बनती, इजराइल लगातार जो है वो फिलिस्तीनियों पर हमले करते आया है और लगातार फिलिस्तीनियों को जो है वो दबाता आया है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब के राजदूत जो है अब वहां पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि अब क्या होता है। आगे लिखा है कि सऊदी राजदूत ने फिलिस्तीनी लोगों और उनके उचित कारण के लिए अपने देश की दृढ़ और सहायक स्थिति पर
पर जोर देते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी यात्रा सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए एक सफल शुरुआत होगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सऊदी अरब ने जो ये बड़ा फैसला लिया है उसमें कहीं ना कहीं सऊदी और फिलिस्तीन के संबंध जो है वो और भी मजबूत होंगे। आगे देखा, इससे पहले मंगलवार को सऊदी अरब और इसराइल के बीच सामान्यकरण समझौते पर पहुंचने की स्थिति में पहल के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर अल सुदैरी ने एक बयान में संवाददाताओं से कहा कि अरब शांति पहल किसी भी आगामी समझौते में मूल बिंदु है। तो एक तरफ तो इसराइल को सऊदी से उम्मीदें हैं, इसराइल सऊदी से रिश्ते बेहतर करने, सामान्य करने पर जोर दे रहा है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया और फिलिस्तीन में अपने राजदूत को भेज दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सऊदी और फिलिस्तीन में जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे और दोनों देशों में भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों देशों में भाईचारा बढ़ता है तो इसराइल की यहाँ से नो एंट्री हो जाएगी और इसराइल यहाँ से बिल्कुल जो है वो 9-2-11 हो जाएगा। अरब शांति पहल 2002 में सऊदी अरब द्वारा तैयार किए जाने और अरब लीग द्वारा अपनाए जाने के बाद शुरू की गई थी। इस पहल में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को समाप्त करने और इसराइल तथा अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का आह्वान किया और इसी के तहत इसराइल जो है अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसके बदले में 1967 के बाद से हासिल किए गए क्षेत्रों से इसराइल की वापसी और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दे का उचित समाधान होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया और उसका असर इसराइल पर जो है वो जाहिर तौर पर पड़ेगा। फिलिस्तीनियों ने 1967 में इसराइल द्वारा कब्जा किए गए सभी फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल के साथ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग की, जिसमें संपूर्ण वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी भी शामिल है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम थी। सऊदी राजदूत ने भी पुष्टि की कि उनका देश जल्द ही पूर्वी यरूशलम में एक वाणिज्य दूतावास खोलने का इरादा रखता है। तो सऊदी अरब की फिलिस्तीन से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं और जो संबंध गहरे हो रहे हैं, इसे देखकर कहीं ना कहीं इसराइल का सपना जो है यहाँ पर चकनाचूर हो जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है और जिस तरह से फिलिस्तीन में अपने राजदूत को भेजा है, इस फैसले से इसराइल पर कितना असर पड़ेगा और इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।